इंडियन क्रिकेट यस राहुल भी है, बट जो लोग राहुल को कप्तान बनाने पे तुले हुए हैं वो सोच ले हैं कि अभी तो विराट कोहली अराउंड था। बेशक आप किसी के घर में खेल रहे हो, जब आप बड़े दिल से, देखो मैं आप भी कहता हूं आप बड़े दिल से खेलेंगे, किसी का बाप आपको नहीं रहा। और मैं रमीज राजा नहीं, देखना ये है रिजवान, टेस्ट मैच तो आपने जीत लिया, आज आप मोस्ट लाइकली रैंकिंग नंबर 2 पे आ जाएंगे क्योंकि ये साउथ अफ्रीका हार जाएगा। प्रणाम दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। सूरज की पहली किरण के साथ ही इंडिया को मिल गई है जीत, जो कि पहले से ही तय थी। हालांकि बांग्लादेश कभी हावी नहीं हुआ इंडिया पर जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है, लेकिन आज जो जीत मिली है वो बहुत ही बड़ी जीत है। 188 रनों से मात दी है भारत ने बांग्लादेश को बांग्लादेश की धरती पर। कुलदीप यादव रहे हैं मैन ऑफ द मैच, जो कि डिजर्व भी करते थे। 40 रन, 4 विकेट और यहां भी विकेटों का ढेर लगा दिया। सभी को विकेट्स मिली, इस इनिंग की बात करें तो अक्षर पटेल को मैक्सिमम। चलिए देखते हैं पाक मीडिया का कैसा है नजरिया, कैसी थी जीत। क्रिकेटिंग सेंस नहीं है बिल्कुल। आज भी इन्होंने थोड़ा लंबा कर दिया, कुलदीप को पता नहीं क्यों लेट कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। सिराज अमंग्स द विकेट, रमैया जी अब आप खुश होंगे, ये कहते थे नहीं, सबने विकेटें ली है, ये और बात है। अक्षर ने 4-3, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 3 विकेटें ले गया कुलदीप, 8 विकेटें ले गया मैच में, बाकी सबने एक एक। और उधर ऑस्ट्रेलिया जो है किसी वक्त भी साउथ अफ्रीका का धड़न तख्ता कर देगा। 66 रन की लीड थी, 7 आउट हो गए, अभी भी लीड नहीं उतार सका जो है अफ्रीका, तो अदाब अर्ज है। बाकी देखे, इट वॉज इंडियाज मैच विदाउट अ बॉल बीइंग बोल्ड, इट वॉज वेरी मच ऑन द कार्ड्स। बाकी इंडिया कभी भी बांग्लादेश से टेस्ट मैच में नहीं आ रहा और अब भी नहीं आ रहा, ये पता था कि नहीं आ रहेगा। हाँ थोड़ा सा देर सवेर हुई है, वो हो जाती है। मैं समझता हूं अगर आपके पास 2 दिन भी हो, 2 दिन बाद देखे, कल आज प्रूव हो गया ना, आप जब अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, 4 विकेटें रहती थी रिजवान हैदर साहब आज, इंक्लूडिंग द कैप्टन, ही प्लेड वेरी वेल, नो डाउट अबाउट दिस, 6 छक्के 84 रन की है। फिर कुलदीप ने राउंड द लेग, हर बॉल को स्वीप मारेंगे तो कहीं ना कहीं आपका डाउनफॉल हो जाएगा। अक्षर पटेल एज ऑलवेज इज फिनोमिनल। मेहदी हसन मिराज, आपको रात को कहा था कि उसके बस की बात नहीं, इट इज नॉट T20 और वनडे इंटरनेशनल के यू विल स्टार्ट टू बैश या हिट, इट वाज ऑलमोस्ट, जब रहते थे 241 रन, ठीक है इन्होंने 41 और 12 53 रन बनाए हैं, बट 53 रन में आपकी बड़ी विकेट थी शकीबुल हसन की, उसने ठीक है 40 से 84, 44 रन तो वो अकेला बना गया, 44 रन रिजवान साहब वो अकेला बना गया 53 में से, पीछे रह गए 9 रन। तो मेहदी हसन मिराज ने, तो तेजुल इस्लाम ने, तो इबादत हुसैन ने, तो कह रहे हैं वेल डिजर्व प्लेयर ऑफ द मैच फॉर कुलदीप बोथ विद द बॉल एंड बैट, ट्रू। 40 रन आप किसी सूरत में नहीं निकाल सकते उसके, कह रहे आज सुबह तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, ग्रेट विन इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, एब्सोल्युटली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से इट इज अ ग्रेट विक्ट्री। और बाकी जो आप कह रहे हैं शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, तो आप क्या सोच रहे थे कि आज सारा दिन ही बैटिंग करता रहेगा बांग्लादेश, एक विकेट इनको चाहिए थी और फिर टेल आ जानी थी और वही हिसाब हुआ। गौरव पांडे कह रहे हैं मोसेजर व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, भाईजान कौन से बुल है वो रेड बुल पी जिंदगी में नहीं पी, नेवर। रोहन बासिक जी कह रहे हैं जनाब मॉर्निंग रजी भाई, मोहसिन भाई गिल नेट्स में इंजर्ड होने वाला है क्या? अच्छा रोहित वापस रनिंग बैक, क्यों राहुल भी इंजर्ड हो सकता है, कोई बैक स्पैम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पेट में मरोड़ उठ सकते हैं कि नहीं, एनीथिंग इज पॉसिबल माय डियर ब्रदर, बट आई फील लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग गिल डजंट डिजर्व टू सेट आउट, ही इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, यस राहुल भी है, बट जो लोग राहुल को कप्तान बनाने पर तुले हुए हैं वो सोच ले हैं कि अभी तो विराट कोहली अराउंड था, अगर वो भी नहीं होगा तो फिर आपकी मर्जी है भाई। आज भी राहुल के आने की देर थी, अक्षर और राहुल ने मिलके टाटा बाय बाय कर दिया बांग्लादेशियों को, और नागन का जो फन है निकाल के वो मारा। और भाईजान 400 रन जो होते हैं रिजवान हैदर साहब वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होते हैं, कितनी दफा चेज होते हैं, कितनी दफा, बेशक आप किसी के घर में खेल रहे हो, जब आप बड़े दिल से, देखो मैं आप भी कहता हूं आप बड़े दिल से खेलेंगे, किसी का बाप आपको नहीं रहा। और मैं रमीज राजा नहीं हूं,
मैंने हरीश बाबू को कहा कोई तुम्हें माई का लाल स्ट्रेट छिक्का नहीं मार सकता, स्ट्रेट छिक्का क्या, दो छिक्के लगा दिए विराट कोहली ने। तो भाई जान और रिजवान हैदर साहब ये है तो इससे जरा सा हटके, लेकिन ये कहना बड़ा जरूरी है, इतनी बेइज्जती हुई है कराची स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम कराची में, टूटी हुई कुर्सियां, फिल्थी बाथरूम, नो शर्म से डूब मरे जो कराची स्टेडियम के जो भी वो जिनको दो दो तरक्कियां दी गई थी उनसे पूछे कि ये आपने टेस्ट मैच की तैयारी की है, ये की है बेशर्मो। प्रकाश मिश्रा जी कहेंगे सलाम वेल डन टू इंडिया ऑन व्हाट अबाउट द फ्यूचर, अश्विन्स फ्यूचर, ही मैनेज टू टेक वन विकेट इन दिस मैच और पहले में मनी, तो अब वो फ्यूचर का पूछ रहे हैं भाईजान। भाई अश्विन का देखें एक टेस्ट मैच की, कुलदीप वाज फिनोमिनल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अक्षर पटेल सेकंड इनिंग्स में वेरी गुड, लेकिन यार आप एक इनिंग्स में नहीं, अब ये नेथन लाइन 400 विकेट इंडिया के खिलाफ पूरी नहीं कर सका, चार टेस्ट मैच थे रिजवान हैदर साहब। यार अश्विन जो है चैंपियन बॉलर है, एक आधा मैच में अगर नहीं आई विकेटें उस तरह की तो ऑलराउंडर की कैटेगरी में उसे काउंट किया करें आप, वो आपके लिए अच्छे रन भी कंट्रीब्यूट करता है भाई जन, 58 रन थे पहली इनिंग में और उसके बॉलिंग स्टैट्स दे आर अमेजिंग। ठीक है एक आधा मैच ये इसमें नहीं परफॉर्मेंस आई विद बॉल से, लेकिन एक मैच पे आप मतलब इतने सालों से जो आपके लिए परफॉर्म कर रहा है एक मैच पे उसको बोलेंगे यार आप फ्यूचर डिसाइड कर लें अपना, ऐसा नहीं होता। और थोड़ी फेथ रखें, हौसला रखें। नहीं नहीं अगले मैच में वो देखिएगा किस तरह बाउंस बैक करेगा, आप देखना ये है रिजवान, टेस्ट मैच तो आपने जीत लिया, आज आप मोस्ट लाइकली रैंकिंग नंबर 2 पे आ जाएंगे क्योंकि ये साउथ अफ्रीका हार जाएगा अभी थोड़ी देर में, अभी अंडे पे 7 आउट है, 66 ना देखें ना आप अंडा देखें, 66 की तो लीड थी, तो आधा बढ़ जाए। जो लोग ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में समझ रहे हैं कि वो ये गाबा का ढाबा, वंस अपॉन अ टाइम व्हेन इट वाज 9 तभी होता था, हर रोज गाबा का ढाबा नहीं होगा। और उस हालांकि ऑनेस्टली स्पीकिंग साउथ अफ्रीका की बड़ी तगड़ी टीम है, इंडिया तो रैटल्ड था, ना कप्तान था ना मेन फास्ट बॉलर थे रिजवान साहब, वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीत थी ना जी। बिल्कुल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स के हवाले से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बड़ी जीत है, अब इंडिया ऊपर जाएगी, फाइनल की तरफ जा रही है, वहीं दूसरी तरफ क्या ही पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान इंग्लैंड भी हो रहा है लेकिन पाकिस्तान लगातार मैच हार रही है अपने ही घर में। पांचवें दिन आज के दिन की बात करें तो भारतीय गेंदबाजी ने बहुत ही कमाल का जौहर दिखाया, बांग्लादेश साइड की बात करें तो डेब्यूडेंट जाकिर की तरफ से 100 बहुत ही अच्छा लगा देखकर। आपको ये मैच कैसा लगा, कुछ दोस्तों का कहना है कि काफी बोरिंग था तो आप अपनी राय भी बताइएगा, इस जीत के बारे में क्या है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को, जय हिंद।